ब्रेन हैमरेज से होमगार्ड की मौत होने के पीछे परिजनों ने कोरोना वैक्सीन पर आरोप लगाया। वैक्सीनेशन के बाद होमगार्ड की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें मेरठ से दिल्ली रेफर किया, जहां सफदरगंज हॉस्पिटल में होमगार्ड ने अंतिम सांस ली। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर तेज हुआ और ब्रेन हैमरेज होने से होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि उनके बेटे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगने से पहले उनकी तबीयत ठीक थी, कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। बताया गया है कि होमगार्ड करीमुद्दीन पुत्र शब्बीर अहमद फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर थे। करीब एक महीने पहले उनकी तैनाती थाना कोतवाली में थी। पिछले एक महीने से वे छुट्टी पर चल रहे थे। बीती 12 फरवरी को उन्हें फोन कर घर से पुलिस लाइन पर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज दी गई है। क्या नाम है आपका? रिजा। रिजा, आपके आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी छह। अच्छा, आपके पापा की डेथ हुई है, किस कारण से हुई है, क्या मामला है? उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी और उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया था। फ़ोन करके बुलाया गया? जी। किन्होंने फ़ोन किया था, किसने फ़ोन किया था? जी, उनके बड़े अधिकारी ने फ़ोन करा था। अच्छा, वैक्सीनेशन कब हुआ था उनका? 12 तारीख को। वैक्सीनेशन के बाद में उनकी क्या स्थिति रही? जब से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बुखार था हल्का हल्का, फिर और तबीयत खराब हो गई, उल्टी हो रही थी। अच्छा, आप तुम्हारे पापा एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद में कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया पूछने के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? क्या नाम है आपका? नसीमुद्दीन। थोड़ा जोर से। नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, आपके पापा के साथ में क्या मामला हुआ, क्या हुआ? हमारे पापा की छुट्टियाँ चल रही थी तो कंपनी का मैनेजर फोन आता है, वो कहता है वैक्सीन लगवा लो कोरोना की। 12 तारीख को। कहाँ कहाँ कार्य करते हैं आपके पापा? कहाँ? हमारे पापा होमगार्ड में है, कोतवाली में कार्य कर रहे थे। फिलहाल छुट्टी चल रही थी, ट्रेनिंग टाइम में ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे थे। अच्छा, क्या मतलब किस तरीके से उनको बुलाया वहाँ पर, क्या होगा? उनसे ऊपर से दबाव दिया गया कि आप आ जाइए और वैक्सीन लेगी, और वरना 2-3 महीने की छुट्टी है, वो कर लो फिर उसको आ जाना। वैक्सीनेशन के बाद में उनके साथ में क्या हुआ? जी, 2-3 महीने थोड़ा चक्कर था, फिर तीसरे दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो मैं काम पर तो वापसी आया, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, मेडिकल नंबर दिलाया, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया दिल्ली के लिए। जी, दिल्ली में डॉक्टरों ने क्या बताया? जी, दिल्ली में डॉक्टर ने 2-3 घंटे इलाज उपचार हुआ कहा, फिलहाल तो बैड नहीं मिला था, और जब बैड मिला तो उन्होंने ऑपरेशन ऑपरेशन पूरा नहीं टाइम कुछ करा नहीं करा, 1:45 बजे उन्होंने मर्ज घोषित कर दिया। अच्छा, आपके पापा की डेथ के बाद में कोई संबंधित अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी उनको यहाँ पर आया आपको पूछने के लिए? जी नहीं, दो लोग उनके साथ काम करते थे, वही आए, और उनके बाद जो उनके बीच में आता वो आए थे। प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया? जी नहीं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन